नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। चौथे टेस्ट को लेकर बड़ी अपडेट ये आ रही है कि उमेश यादव को इस मैच में मौका मिल सकता है। जसप्रीत बुमराह इस मैच को नहीं खेलेंगे, ये कल ही हमने आपको खबर दे दी थी और अब खबर सामने आ रही है कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं उमेश यादव। आमतौर पर लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि वापस से मोहम्मद सिराज आ जाए, क्योंकि दूसरे मैच में सिराज ही खेले थे जब बुमराह नहीं खेले थे। तो ऐसे में खबर यही आ रही है कि चौथे टेस्ट मैच में सिराज को नहीं बल्कि उमेश यादव को मौका मिल सकता है। उनको टेस्ट स्क्वाड में वापस शामिल भी कर लिया गया है और इस वजह से उनको खिलाया भी जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी आप बताइए, क्या लगता है आपको, सिराज को खिलाना चाहिए या फिर उमेश यादव को? क्योंकि उमेश यादव भी अच्छे टेस्ट तेज गेंदबाज हैं, बढ़िया गेंदबाज हैं और लाल गेंद से अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। उन्होंने कई सारे मैजिकल स्पेल्स अपने करियर में डाले हैं। तो चौथा टेस्ट मैच जो कि अहमदाबाद में ही होगा, और बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई एकदम फ्लैट विकेट पर होगा, बल्लेबाजों के लिए खूब उसमें जूस होगा विकेट पर, बल्लेबाज आराम से रन बना पाएंगे और वहां पर रिवर्स स्विंग बहुत काम आने वाली है। ऐसे में उमेश यादव जो है वो रिवर्स स्विंग बहुत शानदार करते हैं, आपने कई मौकों पर देखा भी होगा। तो उमेश यादव को इस वजह से तरजीह दी जा सकती है इस मैच में कि भाई टेस्ट स्क्वाड में है, खेल भी ले मैच, क्योंकि टीम इंडिया को या तो जीतना है या तो फिर ड्रॉ कराना है, हार नहीं है होनी है, क्योंकि अगर हार गए तो WTC के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से खबर आ रही है कि फ्लैट विकेट तैयार किया जाएगा और उसमें उमेश यादव को मौका दिया जा सकता है। तो आप उमेश यादव को मौका मिलते देखना चाहते हैं या फिर नहीं, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।